नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच ब्रिस्बेन में खेला जा रहा था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट 3 विकेट से जीतकर भारत के नाम कर दिया। ऋषभ पंत ने जोश हेजलवुड की गेंद पर शानदार चौका जड़ भारत को ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जिस तरह से भारत ने लगातार तीसरे साल बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है, वहीं भारत ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम भी कर लिया है। मैच फिनिशर रहे ऋषभ पंत, 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वहीं 32 सालों ये ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार है। ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा के मैदान पर हराकर इतिहास रचा है। भारत की शानदार जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया को बधाई दी है। भारत के युवा खिलाड़ियों के दम पर भारत ने ब्रिस्बेन में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के पसंदीदा मैदान पर उसे करारी शिकस्त देकर भारत ने इतिहास बदल दिया है। भारत ने यहां आखिरी दिन 6 विकेट गवाकर 328 रन के विशाल लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। रहाणे के रनबाकुरों की जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के माथे पर एक बड़ा कलंक लग गया है। गाबा 33 सालों से ऑस्ट्रेलिया का अभेद किला रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में अपने पिछले 7 टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल की है, जहां ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में आखिरी बार हार नवंबर 1988 में वेस्टइंडीज के हाथों मिली थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है मेरी जान। ऑस्ट्रेलिया का भेद किला को भारत के रणबाजों ने जीत लिया। भारतीय टीम ने अपने टेस्ट इतिहास में पहली बार इस मैदान पर जीत दर्ज की है। वहीं भारत ने ब्रिस्बेन में जीत के साथ ही लगातार दूसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भी कब्जा कर लिया है। 5वें दिन का खेल शुरू होने से पहले हल्की बारिश हुई थी, जिसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की थी। भारत की ओपनिंग जोड़ी महज 18 रनों पर टूट गई। रोहित के बाद शुभमन गिल का साथ देने चेतेश्वर पुजारा आए। पुजारा के साथ मिलकर गिल ने 100 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला और टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई। लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर 83 रन पर 1 विकेट रहा। वहीं शुभमन गिल 64 और चेतेश्वर पुजारा 8 रन बनाकर क्रीज पर जमे रहे। मैच के नायक रहे शुभमन गिल को 91 रनों पर नाथन लायन ने आउट किया। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 183 पर 3 पर टिका रहा। टी ब्रेक के बाद का खेल शुरू हुआ। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे। जहां भारत को जीत के लिए 145 रनों की जरूरत थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 7 विकेट चटकाने थे। मैच उस समय बहुत रोमांचक स्थिति पर जा पहुंचा जब चेतेश्वर पुजारा 56 रन पर LBW हो गए। वहीं मैच के हीरो रहे ऋषभ पंत एक तरफ जमे रहे, दूसरी तरफ विकेट लगातार गिरते रहे। वहीं एक तरफ क्रीज पर जमे ऋषभ पंत 89 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया की जीत निश्चित कर दी और जोश हेजलवुड की गेंद पर शानदार विजय चौका लगाकर भारत को ये ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारत की शानदार जीत के साथ ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत। पंत ने 1000 रन महज 27वीं पारी में लगाए हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने 32वीं पारी में 1000 रन बनाए थे। स्पोर्ट डेस्क, प्राइम टीवी। तो भारत की इस जीत पर पूरा देश भारत को बधाई दे रहा है, भारतीय टीम को, और प्राइम टीवी भी भारतीय टीम को इस जीत पर बधाई देती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।